अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। पीएमएलएन को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है, जो पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। लेकिन आज हम असल ब्रेकिंग खबर लेके आ रहे हैं, जो असल खबर लेके आ रहे हैं वो कप्तान का जो अब गेम प्लान है वो क्या है। वो क्या गेम प्लान सिर्फ पीएमएलएन तक महदूद है, या कप्तान इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई बड़ी विकेट गिराने का इरादा रखते हैं। ये वो बड़ी खबर है जो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो पीटीआई है उसने 17 नशिस्तों पर पीएमएलएन को शिकस्त दी है। जो अब तक के इलेक्शन ट्रेंड्स हैं उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, ज़ैन कुरैशी के मुखालिफ जो उम्मीदवार थे पीएमएलएन के, उन्होंने जाकर ज़ैन कुरैशी को मुबारकबाद दी और उनसे शिकस्त तस्लीम की। जबकि दूसरी तरफ मलिक अहमद ख़ान, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं पंजाब में, शहबाज शरीफ के सबसे की जो करीबी साथी हैं, उन्होंने भी शिकस्त तस्लीम कर लिया है। जबकि हमज़ा शहबाज अब ज़रा ये बता रहे हैं कि एक इजलास कर रहे हैं किसी खुफिया मुकाम पर, और वो यकीनन इस स्ट्रेटजी को चॉक आउट कर रहे हैं कि अब जो ये शिकस्त हुई है उसके बाद हमारा अगला लाहमल क्या होना चाहिए। क्या उनको ग्रेसफुली शिकस्त तस्लीम करके चौधरी परवेज लाई को हुकूमत बनाने की दावत देनी होगी, या उनको पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों के अब इस्तीफे दिलवा कर इस जो नंबर को रीबैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ये जो भी होगा, ये अब एक ऐसा क्योस है जिसमें कम अज़ कम नज़र आ रहा है कि पंजाब अब नून लीग नहीं रिटेन कर सकती। ये बात अब वाजे हो रही है। पीटीआई ने 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर पाई है। और ये जो फैक्टर्स हैं वो बड़े देखने वाले हैं। वो फैक्टर्स ये भी हैं, आपको याद रखना होगा कि देखिए, ये वो 20 लोग थे जो पीटीआई से बागी हुए थे, और पीएमएलएन के जो वोटर हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि पीएमएलएन के वोटर ने अपनी पार्टी को नहीं सपोर्ट किया जब उसने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर पीटीआई के लोटों को तरजीह दी। पीएमएलएन के वोटर ने उनको मुस्तरद किया। इसके अलावा जो महंगाई का फैक्टर था वो भी बुरी तरह असरअंदाज हुआ पीएमएलएन के जो वोट बैंक है उसके ऊपर। पीएमएलएन का वोटर डिसअपॉइंटेड था। जो 100 रुपये के करीब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बेशक आखिरी दिनों में 18 रुपये कम की गई, ये भी 15 तारीख को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा जो इमरान खान का जो बयानिया था वो बहुत कामयाब रहा है। इमरान खान के पास बहुत से वेपन्स थे बयानिए के, उनके पास विक्टिम कार्ड था कि मुझे साजिश करके निकाला गया, उनके पास अमेरिकी साजिश का बयानिया था, उनके पास महंगाई का बयानिया था, उनके पास के नून और इनका चोरों लुटेरों की हुकूमत लाएगी, उनके पास आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के खिलाफ बयानिया था जिसमें वो कभी उनको न्यूट्रल कह के निशाना बनाते थे इमरान खान साहब, कभी उनको मीर जाफर कह के निशाना बनाते थे, कभी वो जो ब्रिगेडियर राशिद थे लाहौर के, जो सेक्टर कमांडर थे पंजाब के, उनको वो मिस्टर एक्स कह के मुखातिब करते थे। उनके जो नायब थे जो कर्नल इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहूर राजा साहब, जो नायब उनके डिप्टी थे जो पोस्टेड हुए मुल्तान में, उनको वो मिस्टर वाई कह के मुखातिब करते थे। तो ये सब कुछ उन्होंने ये बयानिए इस्तेमाल किए। उन्होंने बार बार अपने वोटरों को कहा कि हमारा मुकाबला सिर्फ नून लीग से नहीं बल्कि एम्पायर से भी है, और अब अगर कहा जाए कि उन्होंने एम्पायर से भी ये मुकाबला जीता है तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने मुकाबला जीता है, उन्होंने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये इलेक्शन जीता है, और अब वो हर हाल में उनको ये हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त 11 नशिस्तें दरकार थीं, लेकिन उन्होंने 17 नशिस्तें जीती हैं। उनको पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ 11 नशिस्तें दरकार थी, लेकिन वो 17 नशिस्तें जीत के एक इंतहाई कंफर्ट से एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और जब वो हुकूमत बनाएंगे, हम आपको बताते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका अब प्लान क्या है जो वो अब खेलेंगे। वो बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना आप, कहें कि एक बड़ा, एक लिहाज से वेल थाट, एक खौफनाक प्लान है जो वो अब करने जा रहे हैं, और जो अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा कि वो कैसे इस सबको देखेगी। लेकिन देखिए, अब कम अज़ कम पंजाब में अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, गो के हम माजी में देख चुके हैं कि पंजाब में नून की हुकूमत थी लेकिन सेंटर में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी हुकूमत सरवाइव करती रही। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कशीदगी का वो आलम नहीं था जो खान साहब में और शहबाज शरीफ साहब में होगा।
और इसलिए अब खान साहब पंजाब से वो जिसे कहते हैं डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, वो एक क्रॉस क्रिएट करेंगे जिसके बाद हतमी तौर पे मामला अब इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। लेकिन जो ये रूलिंग कोलेशन है इसकी जो पहली तरजीह होगी वो ये होगी कि किसी भी तरह ये नवंबर में तक खींच जाए, नवंबर तक शिबाशी साहब को रिज़ाइन ना करना पड़े, ये हुकूमत ना गिरे और नवंबर तक वो कोशिश करें कि वो किसी तरह से अगला आर्मी चीफ तैनात करके इलेक्शन के लिए जाएं। लेकिन अब जो खान साहब जो प्रेशर बिल्ड करेंगे उसके बाद बहुत मुश्किल होगा कि नून लीग अपने तमाम इतिहादियों को अपने साथ बरकरार रख सके। लेकिन ये अब देखना होगा कि तमाम इतिहादी और नून लीग ये ज़रूर सोचेंगे कि अब जो खान साहब जिस एक पॉपुलैरिटी के एक पेडिस्टल पर चढ़ के वो जनरल इलेक्शन के लिए प्रेशर डालेंगे और उसमें अगर मामला जनरल इलेक्शन की तरफ चला गया तो खान साहब वो इलेक्शन इन इतिहादियों के जबड़े से छीन भी सकते हैं। तो ऐसे में खान साहब ना सिर्फ ये इलेक्शन की कोशिश करेंगे लेकिन खान साहब का एक और जो बड़ा ट्रिप का पत्ता है, अब वो एक सोशल मीडिया पे एक प्रेशर बिल्ड करेंगे, अब वो ये वफाक पर प्रेशर डालेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालेंगे और वो इस्टेब्लिशमेंट पर खसूसन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर प्रेशर डालेंगे। और उनकी जो स्ट्रेटजी है यही सबसे की है जो हम आपको आज ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। खान साहब की स्ट्रेटजी है, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को सितंबर के महीने तक इतना प्रेशर डाला जाए कि उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए। और ये क्यों सितंबर के महीने तक इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि उस सूरत में जो सीनियरिटी लिस्ट है पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की, जो अगर जनरल कमर जावेद बाजवा अपने मुकर्रर वक्त पर नवंबर में रिटायर होते हैं तो उस सूरत में जो सीनियरिटी लिस्ट में वो स्टार्ट होगी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त। लेकिन अगर सितंबर तक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को इमरान खान साहब दबाव डालकर इस्तीफ़ा दिलवाने पर मजबूर हो गए तो उस सूरत में ये सीनियरिटी लिस्ट बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगी, क्योंकि 30 सितंबर तक इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्तलिफ जर्नलों ने, लेफ्टिनेंट जनरल्स ने रिटायर होना है। उस सूरत में वो लेफ्टिनेंट जनरल्स आर्मी चीफ की रेस में आ जाएंगे जो कि नवंबर की सूरत में रिटायर हो चुके होंगे। तो सीनियरिटी लिस्ट फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से शुरू नहीं हो रही होगी, वो फिर शुरू हो रही होगी तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आ रहे होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मज़र और दीगर लेफ्टिनेंट जनरल्स आ रहे होंगे। तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं कि इमरान खान साहब का अब वो क्रूशल टेस्ट शुरू होने जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट का भी एक क्रूशल टेस्ट शुरू होने जा रहा है कि क्या वो ये सब कुछ होने देगी, क्या वो अपने आर्मी चीफ को इतने दबाव में आने देगी कि वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हों। ये एक बड़ा टेस्ट होगा। अब ये जिसे कहते हैं ना, अब शायद गोल पोस्ट पंजाब से शिफ्ट होकर ना सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ जाएगा बल्कि रावलपिंडी की तरफ भी जाएगा खान साहब का गोल पोस्ट। और ये बड़ा अब की दिन होंगे, आने वाले जो चंद हफ्ते और महीने हैं वो बहुत ही क्रूशल होंगे और ऐसे में ये देखेंगे और अब हम भी देखेंगे, अब आप सब देखेंगे कि यकीनन इस्टेब्लिशमेंट भी नए सिरे से ड्राइंग बोर्ड पर बैठेगी, वो अब तमाम ऑप्शंस को नए सिरे से देखेगी, वो नए सिरे से अपनी मूव्स देखेगी, जनरल कमर जावेद बाजवा देखेंगे कि क्या कहाँ पर क्या कमी रहेगी, क्या हुआ है और क्या खान साहब जिसे कहते हैं वो उस हद तक पहुँच गए हैं कि जहाँ पर बेशक के सिविलियन सुप्रीमेसी का पाकिस्तान में ख्वाब पूरा हो ना हो लेकिन क्या इमरान सुप्रीमेसी का ख्वाब तो नहीं पूरा होने जा रहा, जो इमरान खान साहब का ख्वाब है, जो उनके फॉलोअर्स का ख्वाब है। तो ये बड़ा की है और ऐसे में अब जो पीटीआई के लोग जो वैसे पार्टी छोड़ सकते थे, जो अब तक पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए थे, जिनमें बहुत से लोग हैं फवाद चौधरी साहब से लेकर दीगर लोग, वो इसलिए भी पार्टी के साथ थे कि चाहे वो इलेक्शन ना भी जीते लेकिन कम अज़ कम वो बहुत बदतरीन शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा उन्हें, वो बाइज्जत तरीके से हारेंगे। लेकिन अब उन सबको ये उम्मीद हो जाएगी कि अब हम बाइज्जत तरीके से हारेंगे नहीं, हम एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत सकते हैं। और यही वो चीज़ होगी जो इस्टेब्लिशमेंट को अब ड्राइंग बोर्ड पर बिठाएगी कि वो नए सिरे से अब स्ट्रेटजी को चॉक आउट करें कि क्या करना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अगर किसी की हालत है तो वो हमजा शहबाज नहीं है, वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं। अब इस वक्त
लंदन में बैठे हुए शहबाज शरीफ भी सोच रहे होंगे कि वो जो इतना अरसा खामोश बैठे रहे और इमरान खान साहब इस 3 महीने मुसलसल बोलते रहे, तो ये एक ऐसा उन्होंने खान साहब को उन्होंने खुला रास्ता दिया कि वो उसमें रोंदते हुए नून लीग से 17 सीटें छीन कर ले गए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ज़रूर निकली, उन्होंने बड़े जलसे किए, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि मरियम नवाज़ साहिबा का राइज 2016 में मुज़ाहमती सियासत से हुआ। उनकी मुज़ाहमती सियासत इमरान खान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अब इस वक्त उनके पास एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं था, तो शायद मरियम नवाज़ साहिबा का जो एक चढ़ता सूरज था वो भी कहीं ना कहीं गहनाया इस तमाम में। कहीं ना कहीं इस इतिहादी हुकूमत ने खान साहब को, जिस पिंजरे में खान साहब पिछले 3.5 साल में ख़ुद को बंद कर चुके थे, उनको उस पिंजरे से बाहर निकाल के ख़ुद को उस पिंजरे में बंद किया और बाहर से जहाँ पर अब तक ये इतिहादी जो कि अपोजिशन में थे खान साहब पर पथराव करते थे, ख़ुद उस पिंजरे में बंद हुए और खान साहब ने उस पिंजरे पर पथराव करके इन इतिहादियों का ना सिर्फ ढेर किया बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो कि उनसे ज़िद चौके उनसे पीछे हट गई थी, जो और उसने एक वो सो कॉल्ड न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया था कि हम नहीं बीच में आएंगे, जिससे मौका मिला इन इतिहादियों को खान साहब को बाहर निकाल करने का। उन्होंने ना सिर्फ के इन इतिहादियों को अब दीवार से लगा दिया है बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अब ड्राइंग बोर्ड पर तो दोबारा बैठेगी, लेकिन क्या वो उस ड्राइंग बोर्ड पर कुछ ऐसा ड्रा कर लेगी कि जिसमें अभी भी इमरान खान माइनस रह सके मुस्तकबिल की सियासत में, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और यही देखने वाला है। लेकिन एक लिहाज से अगर अभी इस इलेक्शन में खान साहब ने वाकई वोट की ताकत पर जीते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं मुदाखलत की, तो हमें इसको खुशाइनी समझना चाहिए और इस इतिहादी हुकूमत को भी अब आवाम से रजू करने पर सोचना चाहिए और मेहनत आवाम में जाकर करनी चाहिए। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।